फिजिक्स भौतिक शास्त्र का प्रैक्टिकल कॉपी आप कैसे बनाइएगा जो कि आपको अभी परीक्षा में फूल अंक मिलेंगे। तो ये जो कॉपी लाए हैं यानी कि कॉलेज के प्रोफेसर से मांग कर लाए हैं ताकि ऐसा स्टूडेंट का कॉपी लिए हैं ताकि इससे जो भी स्टूडेंट यानी प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे उसका भी फूल में फूल अंक मिल जाएंगे, क्योंकि यह जो बनाया गया है ठीक है एक एक करके ओरिजिनल प्रैक्टिकल किया गया है। ये जो किया गया है ओरिजिनल प्रैक्टिकल किया गया है जो सर का सिग्नेचर के साथ ठीक है मुहर के साथ मारा हुआ है ठीक है, तो आपको यहाँ पर गलतियाँ नहीं मिलेगी। तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल बनाने का तरीका, सबसे पहले आपको लिखना है, जितना भी प्रैक्टिकल कीजिएगा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा क्या करना है प्रैक्टिकल कॉपी भरने से पहले, नहीं तो ये यदि गलतियां हो गई तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है जो भी प्रयोग कर रहे हैं, ये हुआ प्रयोग के नाम ठीक है, जैसे काम का नाम हुआ तो ये चीज हो गया लिख देना है फिजिक्स में। उसके बाद इस चैनल पर आपको आर्ट्स का भी मिल जाएगा, साइंस का भी मिल जाएगा, साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का ठीक है सारा मिल जाएगा। तो ये पहला है सीरियल नंबर ठीक है, दूसरा तीसरा इतना प्रैक्टिकल किया गया यानी 12 को किया हुआ है, इस बार भी किया हुआ है ठीक है, और डेली बाय डेली टीचर का सिग्नेचर भी कराया गया है। और कब कब कराया गया है ध्यान दीजिए, यहां पर है पेज नंबर 1 में मिल जाएगा, 6 में मिल जाएगा, कब किया 23/4/2014 का कॉपी है जो बहुत पुराना है और अच्छे स्टूडेंट का है, नया और पुराना में अंतर नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल की सुविधाएं नहीं है ध्यान दीजिएगा, तो आपको बस इसी से हूबहु 5 गो उतार देना है। 5 गो जब उतारिएगा तो आपको फूल में फूल अंक मिल जाएंगे, और 5ों का लिंक इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप 5ों पढ़ सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कुछ भी तरह का कि गलती होगी कि नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है। तो चलिए कैसे बनाना है, तो आज हम बताएंगे, ये बता दिए हैं पहला दूसरा यानी 5-6 गो बता दिए हैं ठीक है, तो पहले भी मैं 1-2 गो एक्स्ट्रा बना देते हैं, हो सकता है कोई स्टूडेंट 5-6 गो बना देगा, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, उसी में आपको फूल में फूल अंक मिल जाएंगे ठीक है। तो आज हम बताएंगे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आज हम बताएंगे सरल दोलक की सहायता से प्रयोगशाला में छोटी जी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिए वो भी प्रैक्टिकल करके छोटी जी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये भी आप सीख जाइएगा। ये आपको 15 नंबर में मिलेगा यानी पेज नंबर 15 में मिलेगा, इस तरह आपको भरना है। यहाँ पर दूसरा जब आप यानी एक्सपेरिमेंट किए थे प्रयोग पर यानी कि प्रैक्टिकल किए थे ठीक है प्रयोग, तो वही डेट हुआ, उसके बाद सिग्नेचर कराया गया 18/9/2014 को। तो कहीं भी आपको मन में डाउट नहीं रखना है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल बनाया गया है ठीक है डेली बाय डेली सर का सिग्नेचर के साथ दिखाया गया भी है ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो लिखना है प्रयोग के नाम, सरल दोलक से प्रयोगशाला में गुरुत्व त्वरण जी का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखना है आवश्यक उपकरण विशिष्ट घड़ी हुक लगी हुई ठोस गोली स्तंभ लंबा हल्का मजबूत धागा स्लाइड कैलिपर्स इत्यादि। सिद्धांत, दोलक की स्थिर व्यवस्था को निरूपित किया, लोलक को एक और बी तक लाकर छोड़ देने से वह ए के इधर उधर दोलन करने लगता है, बी से सी तक जाने और सी से बी तक लौटने को एक दोलन कहते हैं, एक दोलन में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल को टी से सूचित किया जाता है और सार्थक लंबाई को एल से। तो आपको लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना है और आराम से लिखते रहना है, या फिर वीडियो को पुश करके यानी रोक रोक कर आप लिख सकते हैं। टी बराबर 2π√L/g, तो छोटी जी बराबर हो जाएगा 4π² L/T² टी क्या है आवर्तकाल है, सब लिखा गया है ठीक है। उसके बाद प्रयोगशाला में सबसे पहले स्लाइड कैलिपर्स की मदद से लोलक व्यास हुए सहित माप लिया गया है, एवं हुक सहित व्यास माप कर उसके आधा करके आर का मान ज्ञात कर लिया जाता है, व्यास को आधा करेंगे तब ना आर का मान होगा। उसके बाद व्यास को घटाकर सार्थक लंबाई ज्ञात कर देना है, उसके बाद पुनः लोलक की हुक को 140 मीटर लंबा धागा से बांधकर 20 मीटर इस तरह से आपको लिख लेना है ठीक है, लंबाई घटाकर 130 सेंटीमीटर से कितना बोलेंगे, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, आप रुक रुक कर लिख सकते हैं। वो L/T का स्क्वायर मालूम कर लिया जाता है और 4π² गुना करके छोटी जी का मान मालूम यानी कि ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद और है, अगर आपको चित्र बनानी है सरल लोलक का तो यहाँ पर बना सकते हैं ठीक है, और बना ही दीजिएगा तो बेहतर रहेगा ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बना देना है।
उसके बाद अवलोकन एवं गणना, स्लाइड कैलिपर्स अल्पतम मुख्य स्केल का 10 भाग बराबर, यहाँ से लिखेगा एक भाग, तो यहाँ पर लिखेगा एक एक भाग बराबर 1/10, 9/10, इस तरह लिखेगा 9/10 क्या हो जाएगा 10/11, इस तरह से ज्ञात कर लेना है 9/10 × 10 मुख्य स्केल का एक भाग बराबर वर्नियल स्केल का एक भाग 1/10 = 9/100 बराबर इतना हुक सहित व्यास हो जाएगा। अवलोकन 1, 2, 2.5, 5, 4 इस तरह ज्ञात कर लेना, 5×0.001 गुना करेंगे तो 0.05, 4×0.01 0.02.55 पड़ा जाएगा, ठीक है 2.54। यहाँ पर औसत निकालेंगे, एवरेज जितना होता है उसको भाग दिया जाता है, आपको डायरेक्ट उतार देना है हूबहू, आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 0.22 हो गया, ठीक है, ये एवरेज मान हुआ। एल बराबर एच माइनस आर इस तरह से लिखिएगा, यहाँ से यहाँ आपको भर देना है। ये तो इतना ही बताया और है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चित्र बनाने के बाद यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ये कॉलम, ये कॉलम उतारने के बाद ये तो पहला प्रयोग होगा, ये जो होगा आपका पहला प्रयोग होगा। उसके बाद 5-6 को बनाना है आपको, प्रैक्टिकल में कम से कम 5 तो बनाना ही पड़ेगा, 5 बना दीजिएगा और 5 में चित्र बनाइएगा। जब भी चित्र बनाइएगा ध्यान से सुनिए, पेंसिल या रूल से बनाना है, जो भी होता है, ठीक है, पेंसिल बोला जाता है, उसी से आपको बनाना है। और कैसा चित्र बनाना है मैं आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है, चलिए दिखा देते हैं, तो यहाँ पर चित्र बनाना है, और कैसा चित्र बनाना है चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा, यहाँ से यहाँ इस तरह से चित्र पेंसिल से बनाइएगा, तो 5 का 5 डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक के जरिए आप जुड़ जाएं। और आपको केमिस्ट्री का किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा, क्योंकि आगे का किसी भी क्वेश्चन बीए हो आगे में आपको ये चैनल आपके लिए बहुत ही संजीवनी बूटी साबित होगा, नहीं तो ये चैनल सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा और आपके हाथ से ये चैनल निकल सकते हैं। तो जल्दी से आपको लिखना है यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको भी हम समझा देंगे। तो लिखने के बाद 5 तो बोले हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, 5-6 जगह होगा बता दिए हैं, 5 तो लिख लेना। उसके बाद आपको करना है क्या, आपको नाम उम जो भी है यही डेट नहीं भरना है, जो हम भरे हैं 22/2/2021 ये सब नहीं भरना है। इसके बाद आपको भरने के बाद जब 5 हो जाएगा तो आपको जब एग्जाम होगा तो कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने, यानी प्रिंसिपल बोल रहे हैं प्रोफेसर को, आपको जमा कर देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देना है अवलोकन की संख्या, धागों की लंबाई h-r है ना, h-r ये जो है h-r / धागे की संख्या 20 दोलन के साथ प्रयुक्त हो जाएगा, 140 यहाँ पर हो जाएगा, 140 130 120 यहाँ से यहाँ भर दीजिएगा, चलिए हो गया। इस तरह से आपको भर लेना है, तो आपको करना है क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको भर देना है एक एक करके, आपका टेंशन होगा दूर। और आपको प्रैक्टिकल में 5 अगर बना देते हैं इस तरह से तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 5 के अलावा और भी कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता